अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द मसल्स। मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मसल्स जो हैं वो मस्कुलर टिश्यू से कंपोज्ड होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस। सेल्स ऑफ द मसल टिश्यूज आर एलोंगेटेड, और हम उनको रेफर कैसे करते हैं, एज मसल फाइबर्स। मसल सेल्स को हम मायोसाइट्स कहते हैं। मायो मीन्स मसल्स एंड साइट्स मीन्स सेल्स। मायोसाइट्स इज रेफर्ड एज मसल सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं मसल्स के। मसल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट है। हमारे मसल्स जब बोन्स पर, जॉइंट्स पर अटैचमेंट वहाँ पे हो रही होती है, तो वहाँ पर क्या करवाते हैं मसल्स, उनकी मूवमेंट करवाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी पोस्चर, हमारे बॉडी पोस्चर को मसल्स ने मेंटेन रखा हुआ है। मसल्स जब जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब मूवमेंट हो रही होती है हमारी बॉडी पर, तो उसके रिजल्ट में हीट प्रोडक्शन होती है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मसल्स, प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर एंड हीट प्रोडक्शन। मसल्स टिश्यूज की जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास, जो थ्री मेन टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट हमारे पास होते हैं स्केलेटन मसल्स, जो कि 40% ऑफ आवर बॉडी वेट पर कंपोज्ड होते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे पास, और थर्ड जो है वो हमारे पास कार्डिक मसल्स होते हैं। स्केलेटन मसल्स की अगर हम बात करें, स्केलेटन मसल्स कंटेन 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। स्केलेटन मसल्स जो हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, सोमेटिक होते हैं एंड वोलेंट्री एक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। वोलेंट्री मीन्स कि हम इनको अपनी मर्जी से ही कंट्रैक्ट, रिलैक्स करवा सकते हैं। वाइल स्मूथ मसल्स दे आर इनवोलेंट्री एंड कार्डिक मसल्स आर आल्सो इनवोलेंट्री। कार्डिक मसल्स स्ट्रेटेड तो होते हैं मगर जो है वो इनवोलेंट्री होते हैं। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं वो, उनको हम विजरल्स भी कहते हैं, विजराज। जैसे हमारे ऑर्गन्स वगैरह, जबकि हमारे जो स्केलेटन मसल्स होते हैं दे आर सोमेटिक। देयर आर ऑलमोस्ट 600 स्केलेटन मसल्स इन आवर मस्कुलर सिस्टम, 600+। ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम जहाँ पे हमारे पास, इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक्टिन होते हैं, फिलामेंट्स एंड मायोसिन होते हैं। एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट्स होते हैं, और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट्स होते हैं, और ये जो है वो स्ट्रेशंस का काम करते हैं, जहाँ पे डार्क और लाइट बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। स्केलेटन मसल फाइबर्स से अगर हम बात करें, स्केलेटन मसल फाइबर्स और द लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड ये सेल्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 100 meters इन द डायामीटर। तो सेल मेम्ब्रेन होती है स्केलेटन हमारे मसल फाइबर्स की, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। While cytoplasm is referred as sarcoplasm. Sarcoplasm contain many mitochondria and large number of thread-like elements, जिनको हम myofilaments, myo means muscles and myofibrils कहते हैं। Myofibrils composed होती हैं of the thick and the thin myofilament, जो कि हमने पीछे देखा actin and myosin। Actin हमारे पास thin filament होता है, और myosin हमारे पास thick filaments होते हैं। स्केलेटन मसल फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल, इस तरीके से सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इन पे बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, 100 to 10 to 100 meters इन दी डायमीटर होते हैं। हमने सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म के बारे में देख लिया, एंड इस कंपोज्ड होते हैं मायोफिब्रिल्स पर। नेक्स्ट जो है, ओवरलैपिंग ऑफ थिक मायोफिलामेंट एंड थिन एक्टिन फिलामेंट प्रोड्यूस डार्क बैंड्स। जहाँ पे डार्क बैंड्स होते हैं वहाँ पे मायोफिलामेंट, मायोसिन एंड एक्टिन दोनों होते हैं, और जहाँ पर सिर्फ जो है वो एक्टिन प्रेजेंट होते हैं, दीज आर दी लाइट बैंड्स, उनको हम लाइट बैंड्स कहते हैं। स्केलेटन मसल फाइबर्स जो होते हैं उनकी थ्री टाइप्स होती हैं हमारे पास, रेड फाइबर्स होते हैं, वाइट फाइबर्स होते हैं, और इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं। रेड फाइबर जो होते हैं वो हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जबकि जो वाइट होते हैं वो हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड विद, कनेक्टिव टिश्यूज एसोसिएटेड विद स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स
आर प्रोटेक्टेड स्ट्रेंथन एंड अटैच टू अदर स्ट्रक्चर्स, ये दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है इज फाउंड एज हमारे पास फेशिया की सूरत में होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ द मसल्स, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब फेशिया क्या होता है, फेशिया इज ए शीट और बैंड ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू दैट लाई बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे हमारे पास जो है वो बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट फॉर्म एन इन्वेस्टमेंट फॉर द मसल्स एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फेशिया हमारे पास शीट होती है, शीट ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया एंड दी डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, इसको हम सबकुटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। देयर आर टू लेयर्स ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, जो ऊपर वाली लेयर होती है आउटर फैटी लेयर एंड द इनर फाइबरस लेयर इज प्रेजेंट। डीप फेशिया की अगर हम बात करें तो डीप फेशिया जो है ये सुपरफिशियल फेशिया के बीनीथ प्रेजेंट होता है, ये टफ एंड इन इलास्टिक शीट होती है, इसके अंदर जो है वो फैटी टिश्यू नहीं होते। सुपरफिशियल फेशिया में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, डीप फेशिया में नो फैटी टिश्यू प्रेजेंट। और ये क्या, इनका जो मेन काम है वो क्या करते हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टा इनमें प्रेजेंट होता है। डीप फेशिया क्या बनाते हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टा। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स वो कौन कौन से हैं। इन स्केलेटन मसल्स एवरी मसल फाइबर इज इनशीटेड बाय डेलिकेट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हर जो है मसल फाइबर्स के ऊपर वो कवर होता है विद द एंडोमाइसियम। मसल फाइबर्स आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं इन बंडल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, फेसिकुलाई कहते हैं। और ईच फेसिकुलाई इज सराउंडेड बाय रिलेटिवली डेंसर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरीमाइसियम, और हर फेसिकुलाई जो है वो पेरीमाइसियम से सराउंड होता है। और फाइनली क्या होता है, जब एक इंटायर मसल जब एक शीट के अंदर जो है वो इनक्लोज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, फिर हमारे पास पेरीमाइसियम है एंड देन एंडोमाइसियम है। देयर आर आल्सो टेंडन्स एंड दी एपोन्यूरोसिस, टेंडन्स क्या होते हैं, दे आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। इनके मसल्स अटैच ऑन दी बोन, जब वो बोन्स पे अटैच होते हैं उसको हम टेंडन्स कहते हैं। एंड एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस क्या होते हैं, ये थिन शीट्स होती हैं, इसमें क्या होता है जब ये मसल्स के साथ अटैच हो रहे हो, दे आर अटैचिंग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू टेक द फॉर्म ऑफ ए ब्रॉड थिन शीट्स, ये क्या होती हैं, थिन शीट्स होती हैं। एपोन्यूरोसिस पाल्मर एंड द डॉर्सल एपोन्यूरोसिस इसकी एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेंडन, आप देख सकते हैं कि मसल जब एक बोन पर अटैच हो रहा होता है, दिस इज द टेंडन एंड बर्सा, ये किस लिए होते हैं, ताकि फ्रिक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। पार्ट्स मसल्स के कौन कौन से हैं, स्केलेटन मसल जो है कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स पर। फर्स्ट जो है वो हमारा फ्लैशी पार्ट होता है जो कि मसल बेली होती है, और जो सेकंड और जो टू पार्ट्स होते हैं वो एक उसका ओरिजिन होता है और एक जो है उसकी इंसर्शन होती है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन और यहाँ पर इंसर्शन, ओरिजिन और इंसर्शन का पार्ट होता है और एक फ्लैशी पार्ट होता है। फ्लैशी पार्ट इज मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स, वो कंट्रक्शन करता है जो हमारा फ्लैशी पार्ट होता है। वाइल द एंड्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइबरस टिश्यू, जब एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो उसका ओरिजिन जो है वो फिक्स होता है और इंसर्शन जो है वो वहाँ पर मूवमेंट होती है। मसल अटैचमेंट कौन कौन सी होती हैं, ओरिजिन होता है और इंसर्शन होती है। देयर आर आल्सो ल्यूब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स इन द स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम, कौन कौन से हैं, साइनोवियल बर्सा एंड द साइनोवियल शीट। बर्सा हमारे पास किस लिए होते हैं, ताकि जो है फ्रिक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। देयर बर्सा आर द क्लोज सैक ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट, जो अगर हम साइनोवियल शीट की बात करें तो साइनोवियल शीट जो है ये सराउंड करती है टेंडन्स को, और जब जो है जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो पास हो रही होती हैं टेंडन्स में से, तो उसको हम मीजो टेंडन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है स्केल्टन मसल्स की. स्केल्टन मसल्स को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर और अकॉर्डिंग टू द मसल अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एक्शन. जब मसल्स ग्रुप एज ए ग्रुप एक्शन कर रहे होते हैं उसकी बेस पर और शेप एंड द फाइबर आर्किटेक्चर की बेस पर हम स्केल्टन मसल्स को क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर. क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द मसल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मसल फाइबर्स विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द पुल ऑफ द मसल्स. इसमें हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कैटेगरीज. इन टू कैटेगरीज पे अगर हम देखें तो हम मसल्स को फाइव मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट हमारे पास वो मसल्स होते हैं जो के पैरेलल होते हैं टू द लाइन ऑफ द पुल, और जो सेकंड हमारे पास हैं जो के ओब्लीग होते हैं टू द लाइन ऑफ द पैरेलल. मींस के एक ही डायरेक्शंस में जो मसल्स फाइबर्स अटैच होते हैं और ओब्लीग होते हैं कि जिनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. हमारे पास स्पाइरल मसल्स होते हैं क्रूशिएट. क्रूशिएट मींस इस तरह क्रॉस बना रहे होते हैं, और कुछ सर्कुलर मसल्स होते हैं. फर्स्ट जो है वो हमारे पास पैरेलल हम देख लेते हैं. पैरेलल की अगर हम बात करें दे हैव ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन एंड लेस पावर. इनके अंदर रेंज ऑफ मोशन तो ज़्यादा होती है मगर इनकी पावर इतनी नहीं होती जो कि पैरेलल अरेंज होते हैं मसल फाइबर्स. एग्जांपल्स कौन सी हैं? स्ट्रैप लाइक मसल जिसमें हमारे पास साल्टोरियस हैं, क्वाड्रिलेटरल मसल्स इसमें हमारे पास थायरोहायड मसल ऑफ द लैरिंग्स हैं, एंड द फ्यूसीफॉर्म मसल जिसमें हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई हैं. वो मसल्स जो कि ओब्लीकली अरेंज होते हैं उनमें पावर ज़्यादा होती है मगर रेंज ऑफ मोशन क्या होती है? कम होती है. ये बिल्कुल अपोजिट है पैरेलल से. ठीक है, इनकी थ्री इनके ग्रुप्स हैं. ट्रायंगुलर मसल्स हैं, पिनेट हैं एंड रेडियल हैं. ट्रायंगुलर की अगर हम बात करें इनमें एग्जांपल में हमारे पास डेल्टॉइड मसल हैं जो कि ट्रायंगुलर मसल्स हैं. पिनेट में हमारे पास मजीद सब डिवीजंस होती हैं यूनिपिनेट, बाईपिनेट एंड द मल्टीपिनेट. एंड रेडियल मसल में हमारे पास जो है वो एग्जांपल होती है टिबियलिस एंटीरियर की. स्पाइरल मसल्स हैं हमारे पास सम फ्लैट मसल्स अंडर गो ए ट्विस्ट. यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्विस्ट हो जाते हैं एज दे पास फ्रॉम द ब्रॉड ओरिजिन टू रिलेटिवली नैरो इंसर्शन. इनका इंसर्शन क्या होता है? नैरो होता है. इनको हम क्या कहते हैं? स्पाइरल मसल्स कहते हैं. इनमें एग्जांपल्स हमारे पास लेटिसमस डॉर्साई हैं एंड स्टर्नोकॉस्टल पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल. इनके क्या होता है? ओरिजिन ब्रॉड होता है मगर इंसर्शन क्या होती है? नैरो होती है. क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं. क्रूशिएट मसल्स हैं हमारे पास. दीज मसल कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन ऑफ फाइबर अरेंज इन ए डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट फाइबर्स ऑफ द टू प्लेन क्रॉस ईच अदर. ये इस तरीके से क्रॉस कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास मैसेटर मसल्स हैं एंड दी स्टर्नोक्लेडोमास्ट्रॉइड. सर्कुलर मसल्स हैं हमारे पास. दे आर अरेंज इन ए सर्कुलर पैटर्न. नेम से ही जाहिर है इनक्लोज्ड ए बॉडी ऑरिफेस. दीज आर कॉल्ड सर्कुलर मसल्स. इनमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑर्बिक्युलरिस ऑक्युलाई जो कि सराउंड करते हैं ऑर्बिटल फिशर को. अब नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन. जब मसल ग्रुप एक्शन के तौर पे वर्क करते हैं उनके अंदर फोर हमारे पास ग्रुप्स हैं. एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट हैं, साइनर्जिस्ट हैं एंड फिक्सेटर्स हैं. एगोनिस्ट क्या करते हैं? जैसे एल्बो पर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो बाइसेप्स इज द एगोनिस्ट एंड द और उसके अपोजिट जो मसल होते हैं जो कि अपोजिट वर्क करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट होते हैं. साइनर्जिस्ट क्या कराते हैं? ये किसी भी जॉइंट पर मसल्स की अनवांटेड मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं. फिक्सेटर्स क्या करते हैं? ये फिक्सेटर्स हमें जो है वो मसल को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं. दे प्रोवाइड इमोबलाइज बेस ओवर विच द एगोनिस्ट कैन वर्क. साइनर्जीज क्या करवाते हैं? अनवांटेड मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं. फिक्सेटर्स क्या करते हैं? स्टेबलाइजेशन का वर्क करते हैं. दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मसल एक्शन. नेमिंग ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें तो मसल को हम नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, साइज, अटैचमेंट, पोजिशन और बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन. ठीक है, नेम्स ऑफ मसल की हम बात करें शेप अकॉर्डिंग टू द शेप. अगर हम जैसे हम कहें डेल्टॉइड, डेल्टॉइड इज ट्राई एंगुलर मसल्स.
अगर लैटिसिमस की बात करें, इट्स मींस ब्रॉड, तो अकॉर्डिंग टू द शेप हमने इनको क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू द साइज अगर हम कहें तो जैसे बाइस, जैसे जो है वो मेजर, जैसे हमारे पास होते हैं ग्लूटियस, मीडियस, मिनिमस, तो मींस के लार्ज स्मॉल, जैसे हम उनको साइज के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकेशन अगर हम कहें, मीन जैसे कि टीबियलस एंटीरियर मींस द फ्रंट ऑफ टीबिया। अकॉर्डिंग टू लोकेशन या पोजीशन, जैसे सुपरफिशियलस, जैसे नेम से ही है कि सुपरफिशियल है। जैसे प्रोफंडस हम कहें, प्रोफंडस मींस डीप। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट, जैसे हम कहें स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, इट्स मीन जैके अटैच हो रहा है स्टर्नम पे, क्लेविकल पे और मैस्टॉइड प्रोसेस पे। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू द एक्शन अगर हम कहें तो लिवेटर, जैसे लिवेटर स्कैपुला, लिवेटर्स क्या मतलब हुआ, लिवेटर स्कैपुला क्या करेगा, एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द ओरिजिन की अगर हम बात करें, जैसे बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स मीन्स बाई मीन्स टू, टू हेड, ट्राइसेप्स मीन्स थ्री। डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स की अगर हम बात करें, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मीन्स इस तरीके से जो अरेंज होंगे, ओब्लीकली मीन्स कोई उनकी डायरेक्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स पर भी हम मसल्स को क्लासीफाई करते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ स्केलेटन मसल्स, मसल्स आर सप्लाइड बाय द मस्कुलर ब्रांचेस जो कि वहाँ पर नेबरिंग आर्टरीज होती हैं। एक्सेसरी आर्टरीज यूजली पेनिट्रेट द मसल नियर इट्स एंड्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मसल कैपिलरीज बिकम डायलेट, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, डायलेट हो जाती हैं, और फिर क्या होता है वहाँ पर उन मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मसल वहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटन मसल्स ये किस तरह होती है, न्यूरो वैस्कुलर हीलियम के थ्रू होती है। मोस्ट मसल्स जो हैं उनको सिंगल नर्व सप्लाई होती है, मगर जो है वो कुछ मसल्स होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स, उनके डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंट इनर्वेशन हो रही होती है। नर्व सप्लाई ए मसल, जब एक नर्व जो है वो स्केलेटन मसल को सप्लाई कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटर नर्व कहते हैं। और मोटर नर्व के अंदर जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द सेंसरी एंड द मोटर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मोटर नर्व क्या होती है, जो कि एक मसल को सप्लाई कर रही होती है, और उसके अंदर दोनों ही फाइबर्स होते हैं, सेंसेशन का एलिमेंट भी होता है और उसकी मूवमेंट का भी। मोटर नर्व फाइबर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, अल्फा एफरेंट्स होते हैं हमारे पास, गैमा एफरेंट्स होते हैं एंड अनमाइलिनेटेड ऑटोनोमिक एफरेंट्स होते हैं। जिस तरह मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं इस तरह सेंसरी नर्व फाइबर्स भी होते हैं, उनकी भी थ्री टाइप्स होती हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स लोकेटेड इन द मसल स्पिंडल्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फ्रॉम द गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स एंड लास्ट इज द अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, दीज आर आल्सो स्मॉल एंड लार्ज मोटर यूनिट्स। अगर हम मसल की कंट्रैक्शन की बात करें तो देर इज टोनिक कंट्रैक्शन, फेजिक कंट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन। टोनिक कंट्रैक्शन क्या होती है, मींस के जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में एक नॉर्मल पर्सन, तो उनके मसल्स जो हैं वो स्लाइटली कंट्रैक्ट हुए होते हैं, जो कि उसकी उस पर्सन की टोन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब एक मसल रिलैक्सिंग स्टेट में, जिसमें उसके अंदर जितनी भी कंट्रैक्शन हो रही होती है एज यूजुअल, तो वो एक टोन होती है जो कि मसल ने अटेन की हुई होती है। फेजिक कंट्रैक्शन क्या होती है, जब एक पर्सन एक एक्टिव कंट्रैक्शन कर रहा होता है मसल की, उसको हम फेजिक कंट्रैक्शन कहते हैं। इसमें हमारे पास आइसोटोनिक होती है और आइसोमेट्रिक होती है। आइसोमेट्रिक में ये होता है कि लेंथ सेम रहती है, जबकि आइसोटोनिक में टेंशन जो है मसल में वो सेम होती है। आइसोटोनिक की मज़ीद जो है वो उसकी टू इसकी वराइटीज़ हैं, कंसेंट्रिक एंड ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक में क्या होता है, मसल लेंथन हो रहा है, जैसे हम अपनी एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो ये ई सेंट्रिक होता है। जब हम अपनी एल्बो को बेंड करते हैं, दिस इज़ द कंसेंट्रिक। इसकी ये इसके एग्जांपल्स हैं। रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम अपने मसल्स के टेंडन्स पर रिफ्लेक्स चेक कर रहे होते हैं, दिस इज़ द एग्जांपल। एंड सेकंड, जब हम डायफ्रेगमेटिक मसल्स की कंट्रक्शन कर रहे होते हैं, वो भी रिफ्लेक्सिस के थ्रू हो रही होती है, जो कि जनरेट होते हैं बाय द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। सच कंट्रक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कंट्रक्शन। मसल पैरालिसिस क्या होता है, जब एक मसल में मोटर पावर लॉस हो जाती है उसको हम पैरालिसिस कहते हैं। इसकी जो है वो
टाइप्स है, हेमिप्लीजिया है, पैराप्लीजिया है, क्वाड्रिप्लीजिया। हेमिप्लीजिया मीन्स जब एक लिम्ब का पैरालिसिस हो जाए, पैराप्लीजिया मीन्स के बोथ दी लोअर लिम्ब्स, एंड क्वाड मीन फोर, इट्स मीन्स ऑल दी फोर लिम्ब्स। इनकम्प्लीट पैरालिसिस उसको हम पैरिसिस कहते हैं। मसल स्ट्रेन एंड द मसल स्पैज्म, जब ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है मसल की कार्ड्स, उससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए तो मसल फाइबर्स रैप्चर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुल्ड मसल। और जब मसल्स इनवॉलेंट्री जो है वो कंट्रैक्शन में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर स्पैज्म। एंड दिस इज द एंड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम इंशाल्लाह।